मैं एक ड्रग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, उसको कहते हैं हम डाइसाइक्लोमीन। डाइसाइक्लोमीन या इसको जो ब्रांड फेमस है साइक्लोमीन के नाम से आती है, ठीक है, या जो है 10 mg की जो टैबलेट्स आती हैं साइक्लोमीन HCL के नाम से, ठीक है। तो डाइसाइक्लोमीन 20 mg के फॉर्म में भी अवेलेबल है। ड्रग बेसिकली क्या है या ये क्या करती है, उसमें मैं बात करूंगा आपसे। पहली बात तो ये, इसके टैबलेट के अलावा कैप्सूल भी आती हैं और इसके इंजेक्शन भी आते हैं, सारे 10-10 mg के, या टैबलेट में 20 mg भी आ जाती है। आप जानते हो कि टैबलेट हमेशा कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट रह जाती है। अच्छा, मैं अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में बताने वाला हूँ, दैट इज कॉल्ड एज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या इसको हम IBS के नाम से भी जानते हैं, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब ये आप इसको समझिए, लेट्स सपोज ना, बाउल क्या होती है? बाउल आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपके पास स्टमक है ना, तो स्टमक के बाद आपके पास आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन को आप बायोलॉजिकली नाम देते हो बाउल, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आती है जिसको आप नाम देते हो कॉलन, ठीक है। तो बाउल और कॉलन, अब आप इस बात को समझिए कि आपके GIT की दो कंडीशंस होती हैं, या आपको डायरिया हो सकता है या आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। प्रॉब्लम विद IBS इज दैट कि आपको कभी इसमें डायरिया होगा, यानी वाटर स्टूल यहाँ से पास होगा, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, यानी कि ना आप कंप्लीटली डायरियल ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं, ना आप लेग्जेटिव्स जो कि कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा इशू है IBS का, और ये बहुत ज़्यादा रिसर्च वाली डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्चेज होती हैं, लोग इस पर PhDs करते हैं। अब ये ड्रग क्या है? आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह ड्रग अवेलेबल है डाइसाइक्लोमीन, और वो ड्रग क्या करती है, क्लिनिकल यूज़ क्या है? 20 mg पर ओरल एवरी 6 आवर्स, यानी कि दिन में 4 बार, हर 4 घंटे बाद आप एक टैबलेट लेते हैं, और डोज को बढ़ा भी सकते हैं, 40 mg भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा इसकी ज़रूरत है तब आप ये ड्रग लेते हैं, और एफिकेसी आप इसको कंटिन्यूस लेते रहेंगे, तकरीबन 2 हफ्ते के बाद कहीं आपको असर दिखना शुरू करता है, और आफ्टर जब आपको थोड़ी बेहतरी महसूस हो आप इस ड्रग को डिसकंटिन्यू कर दीजिए। 10 to 20 mg इंट्रामस्कुलर के भी दे सकते हैं, यानी इंजेक्शन आप मसल्स में भी लगा सकते हैं every 6 hours। लेकिन याद रहे, इंजेक्शन और टैबलेट में फ़र्क है। तो इंजेक्शन की एक लिमिट है 80 mg पर डे, से आपने ज़्यादा कभी नहीं जाना होता। डोजिंग कंसिड्रेशन जो है, इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन दे रहे हैं वो तकरीबन मस्ट नॉट बी लॉन्गर देन 1 to 2 days। बार बार आपने इंजेक्शन नहीं देना, और आफ्टर इंजेक्शन आप वापस पर ओरल यानी टैबलेट की फॉर्म या कैप्सूल पे वापस आ जाएंगे, और इसका जो यूज़ है 30 to 60 minutes बिफोर मील, यानी खाने के साथ आपने नहीं देनी होती, खाने से 30 से 60 मिनट पहले आप ये ड्रग यूज़ करते हैं ताकि IBS की कंडीशन को थोड़ा बेहतर बनाया जाए। साइड इफेक्ट्स क्या है? जैसे हर ड्रग के होते हैं, डिजीनेस, सर चकराना, जीरोस्ट्रोमिया। जीरोस्ट्रोमिया क्या करता है? जीरोस्ट्रोमिया यानी कि आपका जो माउथ है, आपकी जो आईज हैं, माउथ है, ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है, आपका जो बिल्कुल वाटर है या स्लाइव है ख़त्म हो जाता है। ब्लड विजन यानी सही से दिखाई नहीं देते, सोमनोलेंस हो जाती है, नर्वसनेस हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, यानी आपके दिमाग पे थोड़ा सा असर पड़ रहा है, नर्वसनेस हो रही है, आपको थकावट महसूस हो रही है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, आपके पेट में कभी भी दर्द होता है, आप थोड़े कन्फ्यूज रहते हैं, साइक्लोप्लीजिया यानी कि अगेन डिलीरियम है, डर्माटाइटिस या डिलीरियम साइक्लोप्लीजिया, अगेन आपके CNS इफेक्ट्स आ रहे हैं। डर्माटाइटिस यानी कि स्किन के ऊपर, आपकी जिल्द के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लेमेशन आ जाती है। एरिडिमा, आपके जिल्द सुरख सुरख सी हो जाती है। फटीग यानी कि आपको अक्सर जो है थकावट महसूस होती है। ये इस ड्रग के साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन याद रहे साइड इफेक्ट्स हमेशा नहीं होते, साइड इफेक्ट्स कुछ लोगों को होते हैं जो इस ड्रग को ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो द डिजीज इज कॉल्ड IBS एंड द ड्रग इट इज कॉल्ड डायसाइक्लोमीन। इसके अलावा अगर आपको इस ड्रग के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, मजीद हिदायत के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे राबता करें। दैट इज ऑल, थैंक यू वेरी मच।